बीएसएन नेशनल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी डॉक्टर महेश कुमार जी आज फरीदाबाद में आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बीएसएन नेशनल न्यूज बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुजन समाज पार्टी की 2019 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और जनता बहुजन समाज पार्टी को क्यों वोट दे? ऐसा है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, वो उत्तराधिकारी है मानेवर साहब कांशीराम जी के, और मानेवर साहब कांशीराम जी ने जो 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया वो इस देश से गैर बराबरी को उखाड़ फेंकने के लिए, और बहुत समय तक कांग्रेस और बीजेपी राज करती रही। बहुत सारे पहलू ऐसे थे जो लालच लोभ दे करके इस बहुत बड़े वर्ग का इस देश के अंदर वोट बीजेपी कांग्रेस लेती रही। लेकिन आज अम्बेडकरवाद आ रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में युवाओं को पता लग रहा है, तो उसके अंदर आज तमाम जो 85% की बात कही उसके साथ साथ आज सर्व जनमान सर्व समाज जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और बहन कुमारी मायावती जी ने इन महापुरुषों की मूवमेंट के अंदर तप करके अपने आप को इस संघर्ष में इतना मजबूत किया है कि आज सिर्फ दलित ही नहीं, दलित के साथ पिछड़ा हो, आज सर्व समाज हो, वो बहन कुमारी मायावती जी का के रूप में एक बड़ा नेतृत्व देख रहा है। और पूरे देश के अंदर, चाहे वो हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के अंदर अजीत जोगी हो, चाहे वो कर्नाटक के अंदर एचडी देवगौड़ा जी हो, और चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, आज देश के अंदर बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो बहन कुमारी मायावती जी को अपने नेता के रूप में देख रहा है। इसलिए इस बढ़ती हुई जो बहुजन समाज पार्टी की लहर है इसके अंदर हर सर्व समाज जुड़ रहा है, इसलिए सभी को बहुजन समाज पार्टी ने वोट देने का मन बना लिया है 2019 में। सर, 2009 में मानसिंह मजेड़ा तो प्रभारी थे बहुजन समाज पार्टी के, उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंट था 17.5% था लगभग, लेकिन वो वोट परसेंट आज गिरकर बहुत नीचे आ गया, ये क्या कारण रहे उसके पीछे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक से एक तरह से हुए मानेवर साहब कांशीराम के हीरे, जो माने बहन जी ने अलग अलग प्रदेशों के अंदर ड्यूटी दी हुई है, तो मानसिंह मजेड़ा जी ने हरियाणा के अंदर सभी अपने पूरी प्रदेश की टीम को साथ में लेकर के अच्छी तैयारी की, 17% का वोट बैंक रहा बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन सम्मानित साथियों, कुछ समय में ऐसा रहा कि जब कांग्रेस सरकार ने लंबे समय तक राज किया और कांग्रेस ने धोखा देने का काम किया दलित को, पिछड़ा को, सर्व समाज को, महंगाई से लेकर के भ्रष्टाचार, सब कुछ जो विपरीत दिशा के अंदर चल रहा था, महंगाई चरम सीमा पे थी, रोजगार मिल नहीं रहा था, आए दिन कोई ना कोई घोटाले आ रहे थे, तो सम्मानित साथियों जो भारतीय जनता थी उसमें दलित था, पिछड़ा था या सर्व समाज था, उसने कांग्रेस को हटा करके विकल्प के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को चुना, और भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी कांग्रेस के विरुद्ध में लहर थी, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी लहर नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की जो नाकामी थी उस नाकामी के खिलाफ में जो लहर चली उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चला गया, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इतनी लहर चली गई कि सभी दल कमजोर होने का काम हुआ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने है। जो वादे नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के समय किए थे, चाहे वो 2 करोड़ के रोजगार की बात हो, चाहे वो 15 लाख रुपए गरीब को देने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हो, चाहे जो कांग्रेस के विरुद्ध में जो महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने की बात हो, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे वो गरीबी को खत्म करने की बात हो, एक एक बात नरेंद्र मोदी जी ने, वो आज साबित हो गया कि सब झूठ था, वो छलावा था, कोई बात पूरी नहीं हुई। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस से तमाम जनता ने धोखा खाया है, कांग्रेस को हटा करके बीजेपी लोग लेकर के आए थे, भले ही हम कमजोर हो गए थे, लेकिन आज बहन कुमारी मायावती जी ने इतनी मेहनत से इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया है कि आज पूरा देश 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रहा है। 10 और 15, 17 की बात नहीं है, अब की बहन कुमारी मायावती पूर्ण बहुमत लेकर के सभी दलों को अपने साथ में लगा करके गठबंधन की सरकार हरियाणा में भी बनेगी और इस पूरे देश के अंदर बनेगी। इस हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनेगी और बहन जी इस देश में 2019 के अंदर प्रधानमंत्री बनेगी, तमाम छोटे बड़े दल कह रहे हैं। सर, अक्सर देखा जाता है बहुजन समाज पार्टी का जो सुरल कास्ट का जो वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूत खड़ा हुआ है, लेकिन जो ओबीसी वर्ग का जो वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार साथ ला रही है? शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, बहन जी ने आगे बढ़ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया और बहुजन समाज पार्टी को घर घर में लेकर के गए, और घर घर में लेकर के जाकर के बहुजन समाज पार्टी को सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का जो नारा था वो बहन जी ने दिया हुआ है। तो आज जो बहुजन समाज पार्टी की के जो पदाधिकारी हैं,
जो बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो आज बैकवर्ड के घर में जा रहे हैं और बैकवर्ड को ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि मान्यवर साहब काशीराम ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को आगे बढ़ाने के लिए जो मंडल आयोग था उसको लागू कराने का काम किया। हमारा जो गरीब समाज है, जो बैकवर्ड है, जो आरक्षण के दम पर जो आगे बढ़ रहा है, जो गरीब बैकवर्ड के बेटे को आरक्षण के दम पर नौकरी मिल रही है, वो आरक्षण को 27% आरक्षण लागू कराने का जो धारा 340 में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा और कांग्रेस का जो लंबे समय तक राज रहा उसने उस मंडल कमीशन को लागू नहीं करने का काम किया, तो उसके खिलाफ जाकर के और बैकवर्ड भाइयों को उस संविधान के तहत आरक्षण दिलाने के लिए वोट क्लब पर मान्यवर साहब कांशीराम ने 45 दिन तक धरना दिया और उस 45 दिन के धरने के अंदर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़े और बीपी सिंह की सरकार को मजबूर किया और मंडल कमीशन लागू करा करके 27% आरक्षण बैकवर्ड को देने का काम किया। तो बैकवर्ड हमारा भाई है, बैकवर्ड अभिन्न अंग है, तो पदाधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है और बहन जी ने आदेश दिए हैं कि हमारा जो भी पदाधिकारी है वो घर घर जाए, बैकवर्ड भाईचारे में जाए और बैकवर्ड भाईचारे को ये बात बताए कि बैकवर्ड को आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया है, बैकवर्ड को अगर बैकवर्ड के चेहरे पे खुशी लाने का अगर कोई काम किया है, बैकवर्ड को अगर गरीबी से निकालकर अमीरी की तरफ लेकर के कोई आया है, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और वो मान्यवर साहब कांशीराम है। और अब मान्यवर साहब कांशीराम की उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती और मान्यवर साहब कांशीराम का बनाया हुआ ये सबसे बड़ा दल बहुजन समाज पार्टी ही बैकवर्ड को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। तो ये बात जाकर के हम बैकवर्ड भाई को समझाएंगे और बैकवर्ड भाई जो आज बहकावे के अंदर आ रहा है, जो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्होंने रुख कर लिया था, अभी तो चुनाव के अंदर समय है, अभी चुनाव में समय है, जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहा है वहां पर बहुजन समाज पार्टी ये काम कर चुकी है और अभी जो लोकसभा का आम चुनाव होगा हम एक एक बैकवर्ड भाई के घर में जाकर के बहुजन समाज पार्टी ये बात समझाने का काम करेंगे और उन्हें भारतीय जनता पार्टी से हटा करके बड़ी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ करके और बहुजन समाज पार्टी के नेता नरेंद्र कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, आपका इनेलो के साथ गठबंधन हरियाणा में, आप बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो संस्थापक हुए मान्यवर साहब कांशीराम और इधर दो इंडियन नेशनल लोकदल के जो संस्थापक हुए चौधरी देवीलाल जी, उन्होंने दोनों ने गरीब की राजनीति करी है, कमेरा वर्ग और मजदूर वर्ग की राजनीति करी है। जिन लोगों को हाशिए पर रख दिया था बीजेपी और कांग्रेस ने, उनको सहारा देकर के आगे लाने का काम मान्यवर साहब कांशीराम और चौधरी देवीलाल जी ने किया था। तो ये तो विचारधारा दोनों की एक है और दोनों ही गरीब के लिए, कमेरा और मजदूर के लिए काम करते हैं। तो आज गरीब और गरीब मजदूर कमेरा बहुत दिनों के बाद मान्यवर साहब कांशीराम और चौधरी देवीलाल जी के बाद में आज दोबारा इकट्ठे हुए हैं। तो हमारे जो मुद्दे हैं कि जो आज गरीब को गरीब किया जा रहा है, अमीर को अमीर किया जा रहा है, आज किसान के ऊपर लाठियां पड़ रही है, आज युवा रोजगार को तरस रहा है, आज कर्मचारी है, चाहे वो बिजली का कर्मचारी है, चाहे वो रोडवेज का कर्मचारी है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे वो कच्चा कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, सबको इन्होंने तोड़ने का काम किया है, कमजोर करने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हर वर्ग दुखी है, चाहे वो किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सब रोड पे, सब तरह की हड़तालें चल रही है। तो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मिलकर के हरियाणा की 2 करोड़ की जनता को एक आशीर्वाद देने का काम किया है। हरियाणा की 2 करोड़ जनता आज जो दुखी है, हाहाकार है, उसको सहारा देने का काम किया है और पूरे प्रदेश ने मन बना लिया है। ये IDCIB, ये CBI की आज ये आप लोगों को पहले इशारा किया है, उनका आज कहना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार गठबंधन की हरियाणा प्रदेश में बनने जा रही है और जो उल्टे काम, जो गरीब के साथ खिलवाड़, जो धोखेबाजी इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने और कांग्रेस ने की है, उन तमाम चीजों को पूरा करने का काम करेंगे और गरीब मजदूर किसान और व्यापारी कर्मचारी छोटे व्यापारी इनकी सरकार, इन्हें लोगों के गठबंधन और BSP के गठबंधन के रूप में लोगों को देखने को मिलेगी। और जहां तक आप लोगों ने मुद्दे की बात करी है, तो कई बार जब भी जेल भरो आंदोलन है, SYL का मुद्दा दोनों पार्टियां लेकर के चली है, तो SYL को लेकर के लोगों ने समर्थन दिया है और किसान जो हमारा उसको पानी देने के लिए, उसकी फसल को पानी देने के लिए SYL की लड़ाई दोनों पार्टियां इकट्ठा होकर के लड़ रही है। आज जो नौकरियां खाली पड़ी है, जो निजीकरण किया जा रहा है, ठेके के ऊपर जो नौकरियां लगाई जा रही है, उनका बैकलॉग पूरा करने का काम INLD और BSP दोनों मिलकर के करेगी, युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। जहां तक बात है, आज ये मीटर लगाए हुए हैं बाहर मीटर लगाया, गरीब को चोर समझ करके मीटर उसका खंबे के ऊपर लगा दिया। मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े जो मॉल हैं और जो फैक्ट्रियां हैं, उनके कोई मीटर बाहर नहीं लगते, उनके मीटर तो अंदर लगते हैं, बल्कि चोरी वहां पर ज्यादा होती है, उनकी चोरी को चोरी नहीं समझा जाता और हमारा गरीब चोरी नहीं करता, उसके मीटर भी खंभे पे लगाने का काम किया है। जब गठबंधन की सरकार यहाँ हरियाणा प्रदेश में बनेगी, तो इन ये बाहर जो खंभों के ऊपर जो मीटर लगे हैं, इनको उखाड़ फेंक करके जोहड़ में डालने का काम करेंगे और गरीब को 1 रुपया
एक दिन का बिल देकर के महीने के 30 रुपए बिल आएगी, उसकी ना कोई मीटर होगा ना कोई यूनिट होगी। ये काम गठबंधन की सरकार बनेगी। गरीब की बेटी में 1,05,51,000 रुपया कन्यादान देकर के गरीब की बेटी को सम्मान देने का काम करेगी। एक जैसी समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। ये बच्चों को फेल पास ना करने की जो नीति है, जो बच्चों को पढ़े लिखा बेरोजगार बनाने की कांग्रेस और बीजेपी का षड्यंत्र था, इसको खत्म करके और उसको इनको एक समान शिक्षा प्रणाली दिया जाएगा। और सम्मानित साथियों, ये जो कार्ड बीपीएल बना करके जो गरीबी अमीरी की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये सब खत्म करके और एक परिवार के अंदर एक राशन कार्ड के ऊपर एक परिवार को एक रोजगार देने का काम बहन कुमारी मायावती और गठबंधन की सरकार बनेगी। तो इस तरह के बहुत सारे जो जनहित के मुद्दे हैं वो दोनों पार्टियां लेकर के चल रही है और गठबंधन को लोगों ने स्वीकार लिया है। अब की बार बीजेपी और कांग्रेस की जमानत जब्त होने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार बनाएंगे। हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेश कुमार जी, और पीएसए नेशनल न्यूज को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।